हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, कुछ पॉइंट देखिए, बहुत माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप कंपनी मतलब भागती भी बहुत तेज है, गिरती भी बहुत तेज है। 15 रुपये का मात्र शेयर है और बड़े बड़े दिग्गज बैंक में कुछ पॉइंट्स ऐसे ऐसे हैं, बड़े बड़े दिग्गज बैंक मतलब मोस्टली बैंकों ने उसमें अपनी हिस्सेदारी ले रखी है और प्रमोटर्स ने मतलब 20% की हिस्सेदारी से 60% की हिस्सेदारी ले लिया। बट उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है। 15 रुपये का शेयर है तो उसमें दाव खेलने वाली बात है, तो उसी शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। बट बिफोर दैट आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए। और अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिला हुआ है, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो जाएगा एंजल ब्रोकिंग में, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। एज वेल एज अगर बात की जाए 0 रुपीज़ डिलीवरी चार्जेज है इसमें। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो वीडियो में जिस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ, तो आपको बताना चाहता हूँ सबसे पहली बात, यहाँ पर देखिए 15 रुपये का देखिए मात्र शेयर आपको दिखाई दे रहा है। और अगर हम बात करें यहाँ पर 7 रुपये का ये शेयर 24 मार्च को था, 22 मार्च को 22 रुपये का था अगर बात करें। और अगर हम डिलीवरीज की बात करें तो आज की डेट में 50% की देखिए डिलीवरीज उठाती हुई यहाँ पर हमें दिखाई देती है। कंपनी इन्फॉर्मेशन में अगर हम जाते हैं और हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं, तो प्रमोटर्स के पास कितने 61% की हिस्सेदारी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। पब्लिक के पास 36.07% की हिस्सेदारी है एंड शेयर्स हेल्ड बाय एम्प्लॉयज ट्रस्ट, उनके पास 3.07% की हिस्सेदारी है। और कंपनी देखिए 2012 में लास्ट डिविडेंड दिया था, उसके बाद डिविडेंड नहीं दिया। और कंपनी अगर डिविडेंड नहीं देती तो अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है हमें सब चीज़ पे ऊपर। तो देखिए 2019 में 8 रुपये के प्रीमियम पे 7:5 से राइट इशू भी लाया गया था यहाँ पर। और एक चीज़ है जो दिखाना चाहता हूँ, देखिए प्रमोटिंग प्लेजिंग यहाँ पर देखिए 60% की हिस्सेदारी जरूर है, 20 से 60% की करी है, वो प्लेजिंग कितनी कर दी है उसमें 88% की यहाँ पर प्लेजिंग कर रखी है, तो जो कि बहुत बुरी बात है। और बी ग्रुप में भी देखिए 53.62% की यहाँ पर हमें प्लेजिंग होती हुई नज़र आ रही है। तो ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स, बट इसके ये नेगेटिव पॉइंट्स से पॉजिटिव पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ, इस वीडियो में बने रहिएगा आप। तो वीडियो में आप देखिए पहले शेयर का नाम जो है पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस शेयर्स की बातें क्यों कर रहा हूँ तो बताना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर भारत और जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर लाख करोड़ रुपीज़ खर्च होने वाले हैं भारत में, तो जो हमारी निजी कंपनियाँ हैं उन्हें ही कुछ ना कुछ प्रमोट कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे तो यही शेयर है जो भागेंगे। 15 रुपये का मात्र शेयर है आज के दिन में देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर और ये शेयर हमारे चले नहीं है, तो यही शेयरों को भागना है। रियलिटी सेक्टर से रिलेटेड जो शेयर है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड शेयर है, इन्हें ही अब भागना है क्योंकि मोस्टली सारे शेयर भाग चुके हैं। तो देखिए माइक्रो कैप कंपनियाँ दोबारा बता रहा हूँ भागते गिरती भी तेज है और उठती भी तेज है। तो आज के दिन 10% 11% भागता हुआ नज़र आया है। 5 डेज का चार्ट पैटर्न पॉजिटिव, 1 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए 9 रुपये का शेयर 15 पॉजिटिव, 6 मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए जैसे कि क्या है, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, 16 रुपये का शेयर था गिरता हुआ नज़र आया। और जैसे कि 22 रुपये पे शेयर चल रहा था, देखिए इतना तो जाएगा ही जाएगा 55 रुपये का शेयर है, इतना तो जाना ही है इसे 21 रुपये पर 22 रुपये पर, जो कि इसका 52 वीक हाई है। और अगर हम बात करें मैक्सिमम, देखिए कंपनी 2005 में लिस्ट होती हुई नज़र आ रही है यहाँ पर NSE पे। कंपनी फिर ऊपर गई थी कितने 700-800 रुपये पे नीचे ऊपर गई थी, फिर देखिए नीचे गिरी है, तब से नीचे गिरती हुई नज़र आ रही है। बट हम ऐसी कंपनी को कभी चूज़ नहीं करते, जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ कि जिनका चार्ट पैटर्न नीचे से ऊपर जा रहा हो वो चूज़ करते हैं, ना कि ऊपर से नीचे जा रहा हो जो कंपनी डूब गई हो। बट इसे चूज़ करने के पीछे रीज़न है, एक दो पॉइंट्स ऐसे ऐसे लगे थे कि जो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते थे, 21-22 रुपये कुछ मूव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, तो देखिए ये कंपनी अच्छा नहीं है। बट जिस तरीके की न्यूज़ आ रही है उस इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, तो ये कंपनी आपको शॉर्ट टर्म में काफ़ी अच्छा जंप दिखा के दे सकती है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं, 670 करोड़ रुपये का मार्केट कैपिटल है और बुक वैल्यू की बात की जाए तो कंपनी की बुक वैल्यू है 57 रुपये की। और कंपनी और यहाँ पर आप शेयर प्राइस कितना चल रहा है 15 रुपये पे, तो देखिए 57 रुपये का शेयर आपको 15 रुपये में मिल रहा है, तो क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए।
बहुत सारी नेगेटिव पॉइंट है, तो इसलिए लोग इसमें इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। और मैं भी आपको बताता हूँ, ऐसे शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, जैसे कि 57 रुपये का शेयर 15 रुपये पे चल रहा है, और भी आगे आगे चीज़ें देखते जाइए। ओके, कंपनी का यहाँ पर अगर हम देखें सेल्स की बात, तो सेल्स कंपनी का देखिए घटता हुआ हमें नज़र ज़रूर आ रहा है। ओके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है जो काफ़ी टाइम से लो भी चल रहा है, और 276 करोड़ रुपीज़ का यहाँ पर देखिए सेल्स हुआ था जून में, अभी देखिए बढ़ के लगभग लगभग डबल हो चुका है। और अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो नेगेटिव में ही दिखाई देगा, बट नेगेटिव में भी घटते हुए मैनर में दिखाई दे रहा है। तो अच्छी बात बुरी बात कुछ भी समझ सकते हैं, नेगेटिव तो नेगेटिव ही है फिर। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस की बात की जाए, तो देखिए 2009 में 6460 करोड़ रुपीज़ के थे, बढ़े थे, फिर उसके बाद घटता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लगभग आज भी 2013 करोड़ रुपये के यहाँ पर सेल्स होते हुए नज़र आ रहे हैं। नेट प्रॉफिट की बात की जाए, तो अभी तक पॉजिटिव चल रही थी, इस बार भी हमें नेगेटिव यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सब चीज़ हमें नेगेटिव, सब कुछ नेगेटिव ही नज़र आ रहा है। बट अभी कुछ चीज़ें और दिखाना तो दिखाऊंगा आपको, देखिएगा। रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स कंपनी के पास काफ़ी बेहतरीन है, जो कि मैं कहना चाहूँगा 1000 करोड़ के रिजर्व्स अभी लगभग 2400-2500 करोड़ रुपये के रिजर्व्स पे बैठी हुई है। कंपनी के पास बोराइंग है, जैसे कि मैंने दिखाया है, प्लस करके रख रखा है, बट घटते हुए मैनर में है। कंपनी अपना कर्जा देखिए कंटिन्यूसली घटाती हुई नज़र आ रही है, और अभी कितना 2200 करोड़ रुपये के लगभग यहाँ पर रिजर्व बोराइंग है इनके पास। टोटल एसेट की बात की जाए, तो कंपनी का 3616 करोड़ रुपये के एसेट आज लगभग 8000 करोड़ रुपये के एसेट है, जो कि घटते बढ़ते मैनर में हमें नज़र आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न, जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर देखने की है। 2017 में 20% की हिस्सेदारी थी, 2018 में 20 की थी, 2019 में देखिए लगभग 19% की थोड़ी यहाँ पर गिरती हुई नज़र आई, बट देखिए 19% से यहाँ पर जो जंप मारा है दिसंबर 2019 में, ओके, मतलब अभी एक साल पहले, तो पहले 59% की, फिर 61, फिर 62, अभी लगभग 60% 61% की हिस्सेदारी यहाँ पर प्रमोटर्स के पास है। मतलब प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर 2019 में बढ़ाई है, बट उसमें प्लेजिंग ज़्यादा है वो एक अलग बात है, 80% प्लेजिंग है, इसे याद रखना। फॉरेन इन्वेस्टर भी देखिए इसमें है थोड़े बहुत, तो कितना 0.21% की हिस्सेदारी फॉरेन इन्वेस्टर की है। अब देखिए DIS देखते हैं, तो DIS में अगर आप देखेंगे ना, तो देखिए 20% की टोटल हिस्सेदारी है। इसमें कौन कौन है, सारे बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, IDBI, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, देना, एक्सिस बैंक, कॉरपोरेट बैंक। तो देखिए मोस्टली सभी बैंकों ने यहाँ पर अपनी हिस्सेदारी ले रखी है, काफ़ियों ने निकाल दिया है ये शेयर, ओके, बट काफ़ी सारे बैंकों ने अभी भी, किसी ने 4%, किसी ने 1%, किसी ने 3% की हिस्सेदारी यहाँ पर रख रखी है। पब्लिक की बात की जाए, तो 15% की हिस्सेदारी है, और बाकी ये 3% इनके खुद के ट्रस्ट के पास है। तो इस मैनर में मैं देखना चाहता हूँ, देखिए सारे बैंकों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रखी है, इवन ICICI बैंक जो बड़ा बैंक है, देखिए गवर्नमेंट बैंकों की तो मैं कुछ कह नहीं सकता, बट ICICI बैंक देखिए यहाँ पर हिस्सेदारी 1.77% की यहाँ पर हिस्सेदारी लेके बैठा हुआ है। तो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, और बहुत उससे भी ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स है, बट स्टिल आप इस पर वेट नज़र बना के रख सकते हैं, क्योंकि छोटा मोटा मूव तो देखिए यहाँ पर ये लगा के दिखाई गई आपको, क्योंकि 2200 रुपये पे शेयर चल रहा था लगभग, और अभी आपको 15 रुपये मिल रहा है। अगर 15 से 22 हो भी गया, तो आपको अच्छे खासे रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए हमें आपको नज़र आ जाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, अकाउंट ओपन के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकाउंट ओपन करा लीजिएगा, और हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।